हम लोग खुद मर सकते हैं, लेकिन अपने भारत के संविधान को जरा से भी आंच नहीं आने देंगे। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन हमारी जो आजादी है एक वंचित शोषित समाज की, वहीं पे है। हर 5 घंटे में एक दलित महिला का, आदिवासी महिला का रेप होता है। क्या इसके लिए है ये सरकार जिम्मेदार? क्या कोई जवाब देगा? हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है, और हमारा मसीहा अगर कोई है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जो आर्टिकल 1 जो अखंड भारत की बात करता है, संविधान भारत का जो अखंड भारत की बात करता है, हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक हम भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। भारत की मूलभूत चीजें जो सबको, हर जाति धर्म मजहब के लोगों को अधिकार देता है, समानता का, भाईचारे का, बंधुता का, वो जब तक हम जिंदा हैं ये ऐसे ही कायम दायम रहेगा। हम लोग खुद मर सकते हैं, लेकिन अपने भारत के संविधान को जरा से भी आंच नहीं आने देंगे। हमने आपको बताया था, मैं डॉक्टर रितु सिंह, आपने देखा मैंने अभी 3 दिन पहले भी एक ही चीज़ कही कि जब इस जगह आई थी तो ये कहा था कि सर पर नीला कफन बांध के आए, नीला, हमारे कफन का रंग भी नीला होगा, वो बांध के आए, जीत मिलेगी तब भी वापस जाएंगे। जिस भारत में आज आप बात करते हैं विश्व गुरु की, उसी भारत में 148 दिन से एक महिला और दूसरा दलित महिला पिछले 148 दिन से जस्टिस की पुकार लगा रही है कि मुझे न्याय दो, न्याय दो। और एक क्रिमिनल, दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल क्रिमिनल सविता रॉय, जिसके ऊपर यही दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, क्योंकि होम मिनिस्टर के अंदर आता ना सब, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तक FIR ही नहीं खाली, FIR तो हुई SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, बल्कि पुलिस ने चार्जशीट तक जमा कर दिया कि हाँ अपराध किया, ये गुनाह किया, ये इस तरीके से इन्होंने ये कार्य फर्जी दस्तावेज इस लड़की के, इस महिला के खिलाफ लगाए, और वो कोर्ट में जमा हुई। लेकिन ये हालात हैं कि आज देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन हमारी जो आजादी है एक वंचित शोषित समाज की, वहीं पे है, अभी भी हाशिए पे है। क्या असली मायने में हमारे हक की बात होती है? यहाँ हमारे हक की बात सुनी जाती है? क्या महिलाओं को उनकी आजादी मिली है? क्या आज अगर सच में ये लोग संविधान की मानते होते तो क्या इस देश का, इस यूनिवर्सिटी का आला कमान वाइस चांसलर खुद सविता रॉय को कान से पकड़कर जेल के इलाकों के पीछे छोड़ के आता और कहता कि तुमने गुनाह किया, तुमने एक वंचित शोषित समाज की महिला के साथ फर्जी दस्तावेज लगाकर उसको प्रताड़ित किया, उसकी नौकरी छीनी, तो चलो तुम्हें ये सजा दी जाएगी। लेकिन नहीं, हर दिन इस विश्वविद्यालय में, इस देश में संविधान की उल्लंघना होती है। हर दिन हमें मान सम्मान की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपमान सहना पड़ता है हर दिन इनके हाथों। हर तीसरे दिन हमारी बहनों को मारा जाता है, उनका अपहरण होता है। हर 5 घंटे में एक दलित महिला का, आदिवासी महिला का रेप होता है। क्या इसके लिए है ये सरकार जिम्मेदार? क्या कोई जवाब देगा? आज हम आपको क्यों यहाँ पे भारत का प्रीएम्बल पढ़ाएंगे? वो पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव से, अम्बेडकर से ऊपर इस विश्वविद्यालय में, क्या इस देश में भी किसी की औकात नहीं है कि उनसे ऊपर कोई हो? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि एक हिंदू को, एक मुसलमान को, एक सिख को, एक मिनोरिटी से आते कोई भी क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हर एक को उसके धर्म को मानने की इजाजत भारत के संविधान ने दी है। तो हम लोग उससे ऊपर नहीं है, और सर्वोपरि है हमारा संविधान हमें, तो हर एक को इजाजत है उसको मानने की, और हमें इजाजत है किसको? संविधान को मानने की। हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है, और हमारा मसीहा अगर कोई है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्यों मैं आपको बताती हूँ? क्योंकि अगर इस देश ने उनकी कदर नहीं करी कि वो कौन थे, तो अमेरिका जैसे, विदेश जैसी सबसे पावरफुल कंट्रीज ने माना कि पूरे विश्व में अगर कोई समानता का प्रतीक मसीहा है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही है, जिसने हमेशा
हर एक मजलूम के बारे में सोचा, और खाली सोचा ही नहीं, संविधान के अंदर इंश्योर किया, लिख कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है आप सबके लिए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 संविधान का पढ़ना, तब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे और आप समझोगे। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बहुत अच्छी आपको कही, अगर आपने सुनी होगी कि हमारे देश में जब प्रियम्बल संविधान लागू हुआ तो जो हमारे देश का प्रियम्बल भी, जो संविधान का प्रियम्बल है वो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने बनाया संविधान, हमारा संविधान, हम भारत के लोग, हमने फैसला लिया कि भारत में जो भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राजा होगा वो माँ के पेट, कोई किसी राजा के पेट से नहीं आया होगा, कोई राजा का बेटा नहीं होगा, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ ही लोगों का इलेक्टिव मेंबर वहां बैठ के बनेगा। ये है भारत के संविधान की खूबसूरती, और यही हम चाहते हैं और इसी में हमारी आस्था है। लेकिन लेकिन इसीलिए तो भारत के संविधान की ताकत है, जो डंका बजाते हैं और कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं, और एक चाय वाला अगर वो है तो वो आज देश का प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज आप इस यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, आपने थोड़े दिन पहले इस यूनिवर्सिटी में नीले झंडे देखे थे साथियों, हमें किसी के, हम रंग के हिसाब से भगवान को नहीं मानते, रंग तो इंडिपेंडेंट है ना, रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नीले झंडे लगे थे। मैं आपको नीले रंग का महत्व बताती हूँ साथियों, क्या मान्यता है नीले रंग की, क्यों बाबा साहेब ने नीले रंग को आगे रखा, आसमां का रंग क्या दिखता है नीचे से, दिल्ली में पोल्यूशन है लेकिन अगर साफ जगह पर जाओगे तो नीला दिखेगा, व्हाई स्काई इज ब्लू, बिकॉज स्काई इज वास्ट, पानी का रंग नीला, पानी का कोई अंत नहीं है, तो नीला रंग भी ऐसा वास्ट है, इतना विशाल है कि ये पूरा आसमान जैसे सबको अपने अंदर समा लेता है, किसी जाति धर्म विशेष रंग भेद के लोगों को अपने नीचे समाता है और हर एक को उतनी हवा पानी सब मिलता है। इसी तरीके से नीला रंग प्रतीक है किसका, समानता का, इक्वालिटी का, जस्टिस का ये प्रतीक है, और हमारे नीले झंडे यहाँ पे लगे थे, बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ लगी थी, लेकिन इतनी नफरत कुछ लोगों को बाबा साहेब से, भाई हम तो प्यार बांटते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत बांटेंगे, हम तो भाईचारा बंधुता एकत्व की बात करेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम तो सबसे प्यार करते हैं, हमारे भारत का संविधान हमें इजाजत देता है किसको मानने की, बाबा साहेब अम्बेडकर को, भारत के संविधान को, आपका धर्म जो आपको इजाजत देता है वो करोगे, लेकिन हम इसी इन्हीं लोगों ने, पुलिस ने हमारी चीज़ें यहाँ से हटाई, और आज आप देख लीजिए, और हमारे लिए 144 और लोगों के लिए नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्यार भाईचारा बांटना है, हमारे भारत का संविधान जो कहता है वो करना है, और हमें आप सब साथी दिल थाम के रखो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम यहाँ से तभी हटेंगे, न्याय लेकर जाएंगे, जस्टिस, क्या लेकर जाएंगे, जस्टिस, और भारत का संविधान सबसे सर्वोप्रिय क्या है, भारत का संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।